हेलो दोस्तों, आप सबों का ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने ओरिजिनल मार्कशीट ना पहुंच पाने के कारण दोस्तों परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे स्टडी सेंटर में, जैसे कि पटना के स्टडी सेंटर में जो है ओरिजिनल मार्कशीट पहुँच गए हैं, लेकिन दोस्तों और बिहार के अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी तक जो है ओरिजिनल मार्कशीट जो है बिहार ओपन बोर्ड बी बोर्ड दिसंबर सेशन 2020 का जो है मार्कशीट अभी तक नहीं पहुँचा है। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं और ये हमसे सवाल कर रहे हैं और मैसेज लगातार कर रहे हैं कि सर अभी तक हमारे स्टडी सेंटर में मार्कशीट नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना की जो लहर है, अभी कोरोना का जो केस है अभी बहुत तेजी से रफ्तार में पकड़े हुआ है, जिसके कारण दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड का जो ऑफिस है उसमें बहुत सारे जो काम करने वाले अभी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार ओपन बोर्ड बी बोस के ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पे बहुत ही कम लोग काम करने के लिए आ पा रहे हैं और वहाँ पे जो है दोस्तों एंट्री भी बंद होगी। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो है मार्कशीट वगैरह जो भी काम है बिहार ओपन बोर्ड का जो भी काम है वो अभी क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कुछ दिनों के बाद फिर से चालू किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसी कारण जो है बहुत सारे स्टडी सेंटर में जो अभी तक मार्कशीट नहीं पहुँच पाया है। कारण यही है कि दोस्तों ये कोरोना के कारण जो है कोई भी काम जो है अभी सब बाधित हो चुका है। तो इसके कारण जो है ये डिले हो रहा है, मतलब स्टडी सेंटर में मार्कशीट जो नहीं पहुंच पाने का कारण मैं यही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे पहले भी बता दिया है कि कोरोना के कारण जो है बहुत सारे जो है इफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे प्रभाव पड़े कोरोना के कारण ही आप लोगों के स्टडी सेंटर में जो है अभी तक जो है मार्कशीट नहीं पहुँच पाया। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये सब कुछ सही होगा तो आपके स्टडी सेंटर में जो है मार्कशीट जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो स्थिति है, अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसके कारण दोस्तों कुछ भी अब बिहार ओपन बोर्ड बीबोस को भी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों स्थिति ऐसी है कि दोस्तों कि काम करने की स्थिति में है ही नहीं कोई, तो वहाँ पे इसीलिए इस कारण जो है डिले हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जो वहाँ के वर्कर हैं ना पा रहे हैं, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। मार्कशीट जो अभी तक समय पे नहीं पहुंच पाया है बहुत सारे स्टडी सेंटर में, और बहुत सारे स्टडी सेंटर में पहुंच गया है। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं दोस्तों, वैसे भी अभी जो एडमिशन का जो है डेट वगैरह निकलेगा नहीं। ठीक है, जब तक ये कोरोना अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कोरोना के कारण अभी सब कुछ जो भी एडमिशन वगैरह है अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बहुत सारे स्टडी सेंटर में पहुंच गए हैं, जहां पे पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पे नहीं पहुंचा है तो वहां स्टूडेंट जो अपना धैर्य बनाए रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, स्थिति अभी ख़राब है, गंभीर है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर हम बिहार ओपन बोर्ड बीबोस के ऑफिस जा सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ये सजेशन दूंगा कि अभी आप ऑफिस ना जाएं, क्योंकि ऑफिस में जितने भी काम है वो अभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ऑफिस में एंट्री अभी जो भी बाहर के लोग हैं उनकी एंट्री जो अभी बंद है, बिल्कुल क्लोज है। तो आप अपने घर में रहें। ठीक है दोस्तों, बाहर ना जाएं, बाहर जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, और कोरोना होने के बाद दोस्तों अभी जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अपने जान से भी आप हाथ धो सकते हैं, तो इसके कारण आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, जान रहेगा तो आगे भी आप लोग अपना काम कर लीजिएगा और मार्कशीट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी कि मार्कशीट से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।